एज यू नो आई एम अ यूट्यूबर एंड यूट्यूब पे आने का मोटिव एक था कि आपको रियल इस्टेट शो कर सकें, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रियल इस्टेट की जो लाइफ है आपकी मूवी से जुड़ी हुई है। पहले मूवी देख लेते हैं फिर बाद में डिस्कशन करेंगे कि प्लॉट होता है, देखो मूवी चलते हैं। इतनी सारी एक्टिव चीज़ें चल रही हैं, एक्टिव चीज़ों के साथ काम भी करना पड़ रहा है, साइड बाय साइड यूट्यूब पे भी ध्यान देना होता है। फिर हमने सोचा करे तो करे क्या, हम सीधा गए मूवी देखने वर्ल्ड मार्क का वर्ल्ड मार्क की बात चलती रहेगी, मूवी की बात भी चलनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपने सुना भी होगा, लाइफ में अगर कभी समझ ना आए, ज्यादा पैसा आ जाए ना तो जमीनों में लगा दो। जमीन वो चीज होती है कि पैसा अपने आप ही सोना बना के देती है। कोई भी ऑप्शन ले लो, एनी लोकेशन, एनी पॉइंट ऑफ व्यू, गुड़गांव में कहीं भी प्लॉटों में प्राइस बड़ा ही बड़ा है। डीडीजे भाई आने का पर्पस ही यही था कि डेट जिसका बजट 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए है, सो वो लोग प्लॉट ले सके एंड उसको अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सके, सेपरेट फ्लोर वाइज बना के उसको बेच सके। 180 स्क्वायर यार्ड इज द मैक्सिमम साइज, इससे छोटे ही प्लॉट में आपके डीडीजे भाई आते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं आशीष रखते हैं, पोजीशन तक रखते हैं, अच्छा पैसा आएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही है, पैसा बना अब निकलो, पोजीशन तक वेट ही मत करो। आप मुझे फोन करो, मैं आपका पैसा बना के देता हूँ। यार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है वो बिकॉज किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड ही है ना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज आशीष कुमार एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट इन प्लॉट्स के बारे में, जिसमें वी आर गोइंग टू कवर कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या प्लॉट में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एंड क्या क्या बेनिफिट्स प्लॉट के अंदर होते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, अगर मैं प्लॉट की बात करता हूँ, प्लॉट आपके दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर प्लॉट, दूसरा होता है आपका नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट। नॉन एग्रीकल्चर लैंड की मैं बात करता हूँ, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स में आप कंसिडर कर सकते हैं आपका रेजिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट, इंस्टीट्यूशनल प्लॉट या आपका इंडस्ट्रियल प्लॉट। मेजरली 4 ही तरह के प्लॉट्स होते हैं जिसके अंदर वी हैव सीन कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड ये सारी इन्वेस्टमेंट जो भी होती है सारी आपके डॉक्यूमेंट्स के बाद होती है, वंस आपका CLU आ जाता है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, प्लॉट वो इन्वेस्टमेंट है विच वी हैव सीन इन पास्ट। अगर आप पास्ट कभी रिकॉर्ड उठा के देखो, शेयर मार्केट से ज़्यादा पैसा अपने को प्लॉट इन्वेस्टमेंट में देखने को मिला है। ऑन एन एवरेज 15-20% का अप्रिसिएशन आपको प्लॉट के अंदर मिल जाता है। बट अगर आपका प्लॉट किसी अच्छी लोकेशन पे है, आसपास कंपनीज है, आसपास हैबिटेशन है, सो वी हैव सीन अ मेजर ग्रोथ, 30-35% का अप्रिसिएशन वहाँ पे अपने को देखने को मिला है। उसमें यू कैन कंसिडर एनी पार्ट ऑफ द गुड़गांव, लाइक आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, जहाँ पे आपका कंसल का प्राइस था 40,000 रुपये 2 साल पहले, आज वहाँ पे आपका प्राइस चल रहा है 1,20,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। या अंसल के पीछे आपका वर्सालिया, वर्सालिया के अंदर प्राइस आपका था 30,000 रुपये 2 साल पहले, आज वहाँ पे भी प्राइस आपका पहुँच चुका है 1,10,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। या SPR रोड की अगर मैं बात करता हूँ, SPR रोड पे DLF अल्मेडा, जहाँ पे वी हैव सीन अ मेजर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी लॉन्च हुई थी एट अ प्राइस ऑफ 50,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, आज वहाँ पे प्राइस आपका चल रहा है 1,60,000-70,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। या इसमें आप ले सकते हैं सोना रोड को, जिसको 2 साल पहले कोई पूछता नहीं था, बट आफ्टर DMIC, जैसे ही वहाँ पे DMIC आया, सड़कें बनी, सो उसके अंदर भी हैव सीन अ मेजर ग्रोथ, 40,000-50,000 रुपये प्लॉट आज वहाँ पे पहुँच चुका है 1,60,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। सो दिस काइंड ऑफ अप्रिसिएशन वी हैव सीन इन जस्ट 2 ईयर्स, ये प्लॉट्स में अप्रिसिएशन अपने को देखने को मिला है। इस एप्रिसिएशन को आप कंपैरिजन कर सकते हैं एनी पार्ट ऑफ सेगमेंट लाइक म्यूचुअल फंड, बैंक, या आप कह सकते हैं डेट शेयर मार्केट से भी अगर आप इसको कंपैरिजन करें, सो एक सेफर साइड पे एक अच्छा रिटर्न अपने को यहाँ पे मिल जाता है। एप्रिसिएशन तो अपनी जगह आते ही आता है, इसके अलावा अपने को एक और बेनिफिट मिल जाता है कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स बहुत कम लगता है। थर्ड, आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम लगता है। मेंटेनेंस कुछ होता ही नहीं है क्योंकि खाली प्लॉट है, अनटिल अनलेस वहाँ पे टेनेंट नहीं आएगा सो आपको कोई मेंटेनेंस वहाँ पे लगेगा नहीं। ये तो हो गया आपका बेनिफिट। अगर मैं बात करता हूँ कि डेट इसके अंदर आपके रिस्क क्या होते हैं, सो रिस्क भी इसके अंदर काफ़ी सारे हैं। पहला आपका आता है टाइटल रिस्क, जो भी प्लॉट आप ले रहे हो गेटेड कम्युनिटी के अंदर, क्या वो प्लॉट ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? गवर्नमेंट अप्रूव्ड से मेरा मतलब है कि क्या वो रेरा सर्टिफाइड है? कुछ बिल्डर्स मार्केट के अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर वी हैव सीन अ थर्ड पार्टी इशू, लाइक आपका लोन चल रहा है, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटिका, जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है इनफैक्ट आज भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। या और भी बिल्डर्स गुड़गांव मार्केट के अंदर ऐसे हैं, रहेजा, सुपर टेक, स्टिल इतना अमाउंट लगाने के बाद आज उनको काफ़ी ज़्यादा हैवी पेन उठाना पड़ रहा है क्योंकि जो अमाउंट उन्होंने लगाया उसके अंदर भी उनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सो पहला डॉक्यूमेंट आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के रिस्क अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड रिस्क की अगर बात करता हूँ, आपका आता है जोनिंग रिस्क, कि जो आपका प्लॉट है जिस लोकेशन पे है
क्या वो ऑलरेडी मास्टर प्लान में आता है या नहीं आता है। अगर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग वो लोकेशन या वो लैंड पार्सल किसी और यूज के लिए गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, सो इन डाउटफुली इन फ्यूचर उसको गवर्नमेंट तोड़ भी सकती है। जैसे कि आपका सोना के अंदर, अगर आपने कभी अभी रिसेंटली न्यूज पढ़ी हो, दिलेर मेहंदी जी का फार्म हाउस सोना रोड पे था, आज उस पर भी सील हो चुका है, ओनली रीजन की डेट वो आपका इलीगल वे में वहां पे बना हुआ है। थर्ड मेजर फैक्टर आता है आपका फिजिकल मेजरमेंट। लाइक जब भी आप प्लॉट लो, हमेशा वहां पर जाकर चेक करो, फिजिकल मेजरमेंट करो प्लॉट की, कि जो उन्होंने बोल रहा है कि 150 स्क्वायर यार्ड, 170 स्क्वायर यार्ड इतना है या नहीं है। क्योंकि अगर एक आदमी आपका स्क्वायर यार्ड कम रहता है, सो एंड ऑफ द डे लॉस आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करता हूँ, प्लॉट्स के अंदर वी हैव सीन कि आपको सिर्फ वहाँ पे एप्रिसिएशन मिलने वाला है। अगर यू आर थिंकिंग कि मैं एज एन प्लॉट लेके वहाँ पे एक रेंटल इनकम जनरेट कर सकता हूँ, सो उसके लिए यू हैव टू बिल्ड अप द प्लॉट, बना के ही आप उसको किराए पे दे सकते हो। अदरवाइज वी हैव सीन कि आज तक जिसने प्लॉट लिए हैं, सो उसने कैपिटल एप्रिसिएशन में ही प्रॉफिट लिया है, रेंटल में इतना प्रॉफिट आपको नहीं आ पाता। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गुड़गांव मार्केट, जिसे हम कहते हैं कि डेट फिरौती मार्केट है, प्लॉटों का एप्रिसिएशन जिसमें हमने देखा 30-35% का एप्रिसिएशन वी हैव सीन जस्ट इन 2 ईयर्स, नॉट इन गुड़गांव मार्केट, नोएडा की जेवर एयरपोर्ट अगर आप देखोगे, वहां पे भी जिसने प्लॉट लिया था इन 2020, वहां पे भी हमने देखा है कि वी हैव सीन अ मेजर ग्रोथ। सो ऐसा नहीं है सब जगह पे आपने जहां जहां प्लॉट लिए हैं 2 साल के अंदर वी हैव सीन अ ट्रिमेंडस ग्रोथ। बट एक क्वेश्चन हमेशा से आया है प्लॉट के अंदर कि अब मैं प्लॉट में पैसा कहाँ लगाऊं। ये तो मुझे पता है कि प्लॉट की इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है, समझ में आता है कि प्लॉट का पैसा कभी खराब नहीं होता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 2-3 साल टाइम हराइजन लेके चलते हैं सो नो डाउट एप्रिसिएशन आपको वहाँ पे आता ही आता है। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड़गांव ऑलरेडी पीक पे आ चुका है, ऑलरेडी पैसा आपका 2x-3x हो चुका है, जो कि सच भी है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी चाहिए कि जो आपकी प्लॉट की लोकेशन है उससे 5-10 किलोमीटर के रेडियस में अपने को डेवलपमेंट या ग्रोथ दिख रहा है। लाइक वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल लैंड आ रहा है या मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। लाइक आपका जैसे पटौदी रोड की तरफ यू हैव सीन कि वहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इफ़ यू आर टेकिंग अ हराइजन ऑफ मिनिमम 4 ईयर्स, 4 साल का तो आपको टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा, 4 साल में ही आपका पैसा बन के आता है। क्योंकि जो रियल इस्टेट मार्केट है वो थोड़ी सी अनलिक्विडेट मार्केट है। जब भी आप प्लॉट बेचने जाते हो, जब भी आप दुकान अगर बेचने जाओगे, सो उस टाइम आपको कोई बायर मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा। सो उसके लिए यू हैव टू वेट। अगर टाइम हराइजन इतना लेके चलते हो तो एक टाइम पीरियड में जब भी मार्केट में तेजी आती है उस टाइम अगर आप एग्जिट करते हो, सो नो डाउट जब जाके अपने को प्रॉफिट वहाँ पे मिलेगा, अदरवाइज आपका पैसा स्टक हो सकता है। गुड़गांव के अंदर प्लॉटों के अंदर वी हैव सीन अ मेजर ग्रोथ। मेजर ग्रोथ एज इन लाइक अगर आज आप प्लॉट लेते हो सो वी हैव टू स्पेंड लाइक मिनिमम 3-4 CR। क्योंकि गुड़गांव के अंदर एक रूल है कि अगर आपका प्लॉट 180 स्क्वायर यार्ड से छोटा है सो आपकी सेपरेट फ्लोर वाइज वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होती है। इसी के साथ एक स्कीम आई थी DDJY, जिसका मतलब था दीनदयाल जनवास योजना, जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी, जिसमें आपका प्लॉट का साइज मैक्सिमम 180 स्क्वायर यार्ड है एंड उसमें आपकी सेपरेट फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो जाती है। सेपरेट फ्लोर वाइज रजिस्ट्री एक अलग चीज है। उसी के साथ गेटेड कम्युनिटी अपने को मिल गई, जिसके अंदर यू आर गेटिंग अ पार्क एंड FAR बढ़ने की वजह से इसके अंदर ऑल्सो वी हैव सीन अ मेजर एप्रिसिएशन। सो ये प्लॉट उनके लिए बेनिफिट है जो एज अ शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन देख रहे हैं या जिनका बजट होता है 1-1.5 करोड़ रुपए। जिनका बजट 1-1.5 करोड़ रुपए, आई मस्ट से यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी इन DDJY सेगमेंट। बट उससे पहले लोकेशन चेक करो कि किस लोकेशन के आसपास आपको 2-3 साल में वहाँ पे ग्रोथ दिखती है। ये बहुत जरूरी होता है चेक करना। अगर ये चेक नहीं करोगे तो कोई भी अच्छी स्कीम हो, कोई भी अच्छा प्लॉट हो, वो एप्रिसिएशन आपको नहीं दे पाएगा। DDJY की अगर बात करता हूँ, DDJY कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ लोगों के लिए पुराना होगा, बट DDJY के अंदर बिल्डर्स लाइक DLF, ROF, JMS, आपका BPTP एंड मैनी बोर बिल्डर्स आर कमिंग विद DDJY। सो DDJY एक अच्छा, सेफर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, गेटेड कम्युनिटी के अंदर आता है। सो इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस सेगमेंट, इसके अंदर भी अपनी रिसर्च करो। रिसर्च एज इन आप housing.com, 99acre.com, किसी भी पोर्टल से आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, क्या लोकेशन है, कितने नंबर ऑफ प्लॉट हैं। एंड ऑब्वियसली बात है, आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। आई कैन ऑल्सो टेल यू कि कौन सा प्लॉट आपके लिए अच्छा है, कौन सा प्लॉट अच्छा नहीं है। वी कैन लेट यू नो कि क्या लोकेशन है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, क्या अप्रिसिएशन है, या
वी कैन डिजाइन योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू यू, जिसमें मुझे जानना होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट हराइजन कितना है, कितने साल का टाइम पीरियड आप इन्वेस्टमेंट में लेके चल रहे हैं। सेकेंड आपका आता है बजट, बजट एज इन कि आपका क्या बजट है। सपोज आपका 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए बजट है, तो आई कैन लेट यू नो अकॉर्डिंगली कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए के अंदर कौन सा अपने को बेटर ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे इफ यू आर आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका टाइम हराइजन है 2 साल 3 साल उसके अंदर आई कैन शो यू द एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन जो मैं कह रहा हूँ मेरी बातों पे ना जाके, यहाँ पे सिंपल है, फैक्ट्स एंड फिगर पे बातें आती हैं, स्टडी होती है पूरी जिसमें वी रिसर्च कि आसपास के एबिटेशन में कुछ इंडस्ट्रीज आ रही है नहीं आ रही है, कंपनीज आ रही है नहीं आ रही है, बिल्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या कोई आसपास मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वहाँ पे लग रही है, डेवलपमेंट है या नहीं है, ग्रोथ है या नहीं है। सो ये सारे फैक्टर हम अपने आप कंसिडर करते हैं एंड उसके बाद विल हम आपको बताते हैं कि डैट ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बाय चेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ बिल्डर की पास्ट रिकॉर्ड क्या था, डॉक्यूमेंट्स क्या थे, एंड सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये प्लॉट आप अपने लिए देख सकते हो। एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉल कि कौन से प्लॉट में आपको इन्वेस्टमेंट करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमेशा से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि प्राइस क्या रहेगा। सो प्राइस मेरे अकॉर्डिंगली जो DDGY का प्राइस है वो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। कुछ जगह वी हैव सीन जो आपका DDGY का प्राइस है 1,35,000 भी है, कहीं पे आपका 1,20,000 भी है, कहीं पे आपका 80,000 भी है, या कहीं पे आपका 60,000 पे भी है। सो ये प्राइस आपका वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन। एंड अगर आपको जानना है कि करंट प्राइस क्या है प्रॉपर्टी का, उसका सिंपल सा रीज़न है कि इंडियन जो मार्केट है ना वो नेगोशिएशन पे बिलीव करती है। सो मेरे अकॉर्डिंग जब भी आप प्लॉट लेने जाओ नेगोशिएशन करो, हमेशा करो, अनटिल अनलेस आपको प्रॉपर्टी आपके प्राइस पे नहीं मिल रही है। प्राइस पे एज इन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 60,000 की प्रॉपर्टी आपको 40,000 मिल जाएगी, बट आसपास के जो विसिनिटी है, आसपास का जो सराउंडिंग्स है, वहाँ पे प्लॉट का प्राइस पता करो, उसके अकॉर्डिंग यू कैन कैलकुलेट, यू कैन वैल्यूएट योर प्रॉपर्टी कि वहाँ पे जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसका राइट प्राइस है या नहीं है। एंड ऑफकोर्स अगर आप चाहते हैं कि डैट इसमें मैं आपकी हेल्प करूँ, सो वी कैन डू वन थिंग, सीधा सीधा अकॉर्डिंग टू यू मेकिंग योर आइटनरी, मेकिंग योर माइंडसेट एंड सारी चीज़ें डिज़ाइन करने के बाद हम सीधा बिल्डर से नेगोशिएट कर सकते हैं प्लॉट के बारे में। एंड उसके बाद सोच सकते हैं कि डैट यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। सो मेरे अकॉर्डिंग दिस इज ऑल अबाउट प्लॉट। फैक्टर्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं कि क्या क्या आपको माइंडसेट में रखना है, कि ये सारे फैक्टर अगर आप माइंड में रखते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग मनी इन प्लॉट, देन आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, कभी फंसेगा नहीं, एप्रिसिएशन अपने को 100% मिलेगा। एंड मेजरली यही फैक्टर होते हैं जो माइंड में रखने चाहिए। सो दिस इज अ ओवरव्यू ऑफ द प्लॉट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, सो डैट आई कैन मेक मोर वीडियोज फॉर यू एंड लेट यू नो कि वॉट इज रियल इस्टेट मार्केट एंड किस वे में गुड़गांव मार्केट के अंदर काम हो रहा है, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, या आपका अमाउंट अगर 50,00,000 रुपये से भी आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं या 1 करोड़ रुपये से भी स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जितना भी आपका अमाउंट होगा, सो उसके अकॉर्डिंग आई कैन लेट यू नो, आई कैन गाइड यू कि आप यहाँ से स्टार्टिंग करो एंड स्टार्ट फ्रॉम वंस एंड जब प्रॉफिट मिले दूसरी इन्वेस्टमेंट जब करो, अदरवाइज करो भी मत, मेरे साथ सिंपल कंसेप्ट। थैंक यू। मैं कह रहा हूँ वीडियो तो अपने पास डालने डालने हैं, शायद 10 बज जाओ, 2-3 लोगों के कॉल आ चुके हैं कि हमेशा कमर्शियल रेजिडेंशियल तो आपने बना लिया बट प्लॉट के बारे में क्यों इतना नहीं बोल पा रहे हो। तो मुझे लगता है लोगों को लगता है कि प्लॉटों के बारे में कुछ पता नहीं है, उनको ये लगता है कि डेट प्लॉटों में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है उसके बारे में भी हमें एक बार खुल के बोलना चाहिए। एंड बाकी भाई पब्लिक के ऊपर छोड़ दो, पब्लिक जितना प्यार देगी उतना ही उनके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें पता लग जाएगा कि कितना प्यार हमें पब्लिक कर रही है। लाइक तो सभी कर देते हैं यार, कमेंट से अच्छों में पता लगता है कि आप सच में प्यार कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लाइक तो और कोई बंदा चलती फिरती वीडियो पर कर देता है स्वाइप लाइक लाइक। आई मस्ट से कि इफ़ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू कमेंट। 6 महीने तक मैं और मेरा मीडिया गाय हम दोनों इसी पे ही चल रहे हैं कि डैट आप हमें कितना सपोर्ट कितना प्यार करते हैं। अगर आपने किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। विक्ट्री एज इन वो मैं आपको 6 महीने बाद ही बताऊंगा पब्लिकली है क्या।